असलम मैं सुलेखा अरफान सुलेखा किचन से तो चलिए आज हम बनाते हैं सिंपल सा बर्गर लेकिन बड़ा मजेदार है तो चलिए शुरू करते हैं साधारण साधारणरी से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बर्गर बनाते हैं आज यह आधा किलो चिकन बोनलेस का कीमा यहाँ पर मेरे जो कीमा था बहुत ज़्यादा बारीक नहीं था तो मैंने चॉपर में बारीक किया आपका मशीन वाला कीमा हो तो बहुत ही अच्छी बात है अच्छा ये है थाई पोषण आप चाहे तो प्रेस पोशन का भी करवा सकते हैं और मैंने दो तीन पानी से धो के नितारने के लिए दस पंद्रह मिनट छन्नी के ऊपर साइड पर रख दिया था अब डाल दीजिए थ्री फोर्थ या एक छोटा चाय का चम्मच नमक या स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा डेढ़ छोटा चाय का चम्मच ऑनियन पाउडर डेढ़ छोटा चाय का चम्मच गार्लिक पाउडर एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल भी डाल दीजिए दो छोटे चाय के चम्मच चिली फ्लेक्स अच्छा आपको ज्यादा स्पाइसी नहीं चाहिए तो एक छोटा चाय का चम्मच डालिएगा और आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे एक मिनट के लिए साइड पर रहने दीजिए अब एक अंडे को एक प्याले में फोड़ कर डाल दीजिए एक टेबल स्पून दूध डाल दीजिए थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर नमक थोड़ा सा डालकर इसे बहुत अच्छे से फेंट कर इसे साइड पर रख दीजिए अब जो हमने कीमा मिक्सचर बना कर रखा है वो ले लीजिए हाथों को तेल या पानी से ग्रीस कीजिए और एक अच्छा जनरस अमाउंट लीजिए चिकन मिक्सचर का और इसकी इस तरीके से पैटी बना लीजिए अभी टोटली आपके ऊपर है मैं तकरीबन छः पैटीज बना रही हूँ आप चाहें तो बड़ी बड़ी बनाना चाहते हैं तो चार भी बना सकते हैं और इसे बना बना कर साइड पर रखते जाएं इस तरीके से जब आप सारे बना लें तो सूखा आटा मैदे का लीजिए एक प्लेट के अंदर इस तरीके से और अच्छे से उलट पलट करते हुए इसे वेल कोट कर दीजिए साइड से भी कीजिएगा मैदे में अच्छे से और इसके बाद इसमें ये जो हमने अंडा फेट के रखा है और वो ब्रेड क्रम्स पर ब्रेड क्रम्स को यहाँ ले लेती हूँ और अंडे के अंदर बहुत अच्छे से उलट पलट करते हुए लोटिए और ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर बहुत अच्छे से वेलकोट कीजिए उलट पलट करते हुए और चारों ओर से और इसे साइड पर रख दीजिए इसी तरीके से सारे पैटीज को बना लीजिए अब ये सारे बन चुके हैं इन्हें आधे घंटे के लिए थोड़ा फ्रिज में रहने दीजिए आप चाहें तो इसे स्टोर करके फ्रीज करके भी खा सकते हैं एक दो दिन तक के लिए जब तक पार्टी फ्रिज में है यहाँ पर मैं क्विक गार्लिक मायो डिप बना लेती हूँ आपने नहीं बनाना तो कोई बात नहीं ये आप स्किप कर सकते हैं ये आधा कप मायो है एक बाउल में डाल दीजिए अब डाल दीजिए आधा छोटे छह का चम्मच शहद वन फोर्थ छोटे छः का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और यहाँ पर मैं डेढ़ छोटा छह का चम्मच बारीक कटा हुआ लहसन डाल रही हूँ आपने डेढ़ नहीं डालना है तो एक भी डाल सकते हो और ये जो मुँह में आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा लेकिन आपको ये नहीं चाहिए ऐसा तो आप ना पाउडर डाल सकते हैं इसका बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए यहाँ पर मैं है ना वन फोर छुटछे का चम्मच सिरका और चुटकी भर नमक डालकर इसे मिक्स कर कर इसे भी साइड पर रख देती हूँ बहुत ही मज़ेदार डिप बनता है हाँ ये अब यहाँ पर मैंने धोए हुए ये लिए हैं लेटेस और इन्हें मैं बारीक बारीक काट कर इन्हें भी साइड पर रख देती हूँ क्योंकि प्रिपेरेशन्स तो करनी होगी ना ये सारी फ्राई पैन के अंदर अच्छे से तेल डाल दीजिए चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए ये पैटीज मैंने यहाँ साइड पर रख दी है और अच्छा तेल गर्म हो जाए चूल्हा मीडियम आंच करके बिसम इन बोल कर ये हमारी जो पैटीज़ है दो तो तीन या जितनी आपके फ्राई पैन के अंदर समय उतनी डाल दीजिए तेल कम मत डालिएगा इतना डालिएगा ही क्योंकि फ्राई होने वाली है ना पैटीज़ अब एक डेढ़ मिनट तक ऐसे ही रहने दीजिए जब डेढ़ मिनट हो जाए तो इन्हें पलट दीजिए और फिर उलट पलट करते हुए तकरीबन मीडियम आंच पर समझे ना छः से सात मिनट तक इसे पका लीजिए जब छः सात मिनट हो जाए तो इन्हें निकाल कर नितार कर टिश्यू पेपर के ऊपर मत रखिएगा छन्नी के ऊपर रखिएगा नहीं तो वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे और थोड़े सॉगी हो जाएंगे चलिए मेरे छः सात मिनट हो चुके हैं मैं इन्हें निकाल कर निकाल कर साइड पर रख देती हूँ और वही गरम गरम तेल के अंदर है ना मैं थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ के ऊपर थोड़ा सा नमक डाली उन्हें मिक्स कर कर इन्हें से डाल इन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ तो बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज़ ना हो तो मज़ा कहाँ से आएगा ना तो बस इन्हें भी फ्राई करके साइड पर रख देती हूँ तो ये रहे बर्गर बंस अब हम इसे थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये तवा हटाकर मैं दूसरा वाला तवा रख देती हूँ आप वही तवा यूज़ कर सकते हो उसका तेल निकाल कर बेशक आप यूज़ कर लीजिएगा अब ये सारे जो बर, बर्गर बंस हैं मैं दोनों ओर इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा मक्खन यानी कि बटर मस्का लगा लेती हूँ और इसे दोनों ओर से बार बार उलट पलट करते हुए थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ जब अच्छे रोस्ट हो जाए तो इन्हें निकाल कर इसी तरीके से साइड पर रख दीजिए तो ये सारा प्रिपेयर हो गया अब मैं क्विकली नीचे का जो बेस है बर्गर का उसके ऊपर थोड़ा सा गार्लिक मायो डिप जो बनाया था वो स्प्रेड आउट कर लेती हूँ ऐसे तीनों बर्गर्स के ऊपर उसके बाद जो लेटस हमने रफली चॉप करके रखी है काट कर रखी है वो डाल दीजिए अच्छे से जनरस अमाउंट उसके ऊपर हमारे गर्मा गर्म बर्गर पंस जो है वो डाल दीजिए अब एक चीज़ स्लाइस को ये हमारा जो बन है उसके ऊपर रख दीजिए और गार्लिक मायो डिप है इसे फिर से थोड़ा सा आप चाहें तो लगा सकते हैं नहीं तो ऑप्शनल है नहीं लगाइए और इसे मैं ढाक देती हूँ ऐसे बर्गर बन से ही और इसी तरीके से सारे बर्गर बंस बना लीजिए अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो काली मिर्ची का पाउडर और चिली फ्लेक्स अपने स्वाद अनुसार डालिएगा अच्छा ये डिप के अंदर भी जो बारीक कटा हुआ लहसन है वो भी आप आपके स्वाद अनुसार डालिएगा मैंने फ़िश बर्गर यानी कि मच्छी का बर्गर मेरे चैनल पर बनाकर अपलोड किया है लिंक आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर है अच्छा अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से मैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के बर्गर बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाकर अपलोड करूँगी तो है ना मजेदार चिकन बगर आज का अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे हैं रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिए जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ टेक केयर अला हाफिजा बाय